नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य खबरों से। महू में इस बार स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग, बीजेपी पदाधिकारियों ने चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपा पत्र। उज्जैन में बढ़ रही है रेबीज बीमारी, 2 साल में 11,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, 1.5 करोड़ से ज्यादा के लगाए एंटी रेबीज इंजेक्शन। ग्वालियर में पंचायत भवन की जमीन को लेकर भड़के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को टारगेट कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमलावर छतों पर चढ़ गए और कट्टों से फायर करते रहे। अचानक हुए इस हमले में एक दंपति सिर और पेट को छूकर निकली गोली से घायल हुए हैं, तो उनकी बेटी पत्थर लगने से घायल हुई है। घटना शनिवार दोपहर हाई अलर्ट के बीच महाराजपुरा के कच्छपुरा की है। उज्जैन उत्तर में कांग्रेस के लिए मुसीबत बने विक्की यादव, आम आदमी पार्टी ने उत्तर से दिया टिकट। विधानसभा चुनाव सिर्फ 6 दिन, रिटर्निंग अफसर लेंगे नामांकन पत्र, उम्मीदवार ऑनलाइन भी दाखिल कर सकेंगे पर्चे। रीवा शहरी सीट से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध शुरू हो गया है। यहां से एमपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने 19-20 अक्टूबर की मध्य रात्रि सोशल मीडिया के माध्यम से दुख जाहिर किया है, साथ ही खुद को कांग्रेस के सभी पदों से मुक्त कर ली है। भोपाल में पहला नामांकन देवेंद्र प्रकाश मिश्रा ने भरा, मध्य से भरा नामांकन, चप्पल चुनाव चिन्ह मांगा, पिछले चुनाव में भी मैदान में थे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद अब मेहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी यानी बीजेपी से मेहर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को चुनाव चिन्ह 2 गन्ना और 1 किसान आवंटन भी कर दिया है। नारायण के करीबी सूत्रों ने बताया कि मेहर से वे खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि कई अन्य सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। रेप के आरोप में फंसे भाजपा नेता संदीप गौड़ को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। भाजपा मंडल महामंत्री संदीप पर उनकी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने रेप करने का आरोप लगाया था। भाजपा ज्वाइन करने के बाद सिद्धार्थ राज तिवारी टौंथर पहुंचे, वहां पर वे द खबरदार न्यूज की टीम से चर्चा की। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक नमस्कार और बने रहे द खबरदार न्यूज पर।